पुनर एबार सरब से ए आई एम आई प्रधान तथा सांसद आसादुद्दीन ओवैसी। आसादुद्दीन ओवैसी एबार मंतव्य स्वाधीनता आंदोलन आटाइतको बेसि तेज दी मुसलमान केवल इमान इंगराजर विरुद्ध सर्वोच्च बलिदान दी केवल मुसलमान लोक मंत्य कर आसादुद्दीन ओवैसी। बिग ब्रेकिंग मुहूर्त टाइम एट दर्शक स्वाधीनता आंदोलन आटाइतको बेसि तेज दी मुसलमान मंत्य कर आसादुद्दीन ओवैसी। किंतु मुसलमान नाम नल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुसलमान समान कौ स्वाधीनतारे तेज दिया ना आटको बेसि तेज दी मुसलमान इंगराजर सम्मुख सर्वोच्च बलिदान दी मुसलमान लोक किंतु नाम नल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंगराजर विरुद्ध संग्राम फटुआ जारी कर मौलाना रहमतुल्ला स्वाधीनतारे कणरण अवदान ना आर एस एस बीजेपी और आर एस एसर विरुद्ध पुनर एबार गरजी उठिल ए आई एम आई प्रधान तथा सांसद आसादुद्दीन ओवैसी। जो मुहूर्त ट्राइमेटर दर्शक एबार आसादुद्दीन ओवैसी आन एक विस्फोरक मंतव्य जो नेकि आसादुद्दीन ओवैसी उल्लेख कर आसादुद्दीन ओवैसी कैसे जो स्वाधीनता आंदोलन आटाइतको बेसि तेज दी केवल मात्र मुसलमान लोक और इंगराजर सम्मुख सर्वोच्च बलिदान दी मुसलमान लोक किंतु मुसलमान लोकर नाम लब नुखुजे नाम लब निचार देशों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। केवल इमान आसादुद्दीन ओवैसी मंतव्य जो स्वाधीनता संग्राम आर एस एस कणरण अवदान ना जदे आटको बेसि तेज दी बलिदान दी सै केवल मात्र मुसलमान लोक स्वाधीनतारे कणरण अवदान ना आर एस एस मंतव्य आसादुद्दीन ओवैसी। आर एस एस और बीजेपी क्षुधार समालोचना कर ए आई एम आई नेता सांसद आसादुद्दीन ओवैसी तुला धूना कर एक प्रकार बीजेपी और आर एस एस पुनर्बार कैसो स्वाधीनता आंदोलनक ल केतबू मंतव्य कर आसादुद्दीन ओवैसी जो नेकि निजर मंतव्य स्पष्टक उल्लेख कर आसादुद्दीन ओवैसी जे मुसलमान लोक स्वाधीनता संग्राम हक नतुबा इंगराजर सम्मुख हक जेतिया इंगराजर विरुद्ध जुज आरम्भ हुई जुज आंदोलन मुसलमान लोक निजर सर्वोच्च बलिदान दी आटको बेसि तेज दी मुसलमान लोक किंतु देशों जीगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी मुसलमान नाम लब निचार मंत्य आज मुहूर्त आसादुद्दीन ओवैसी कि कैसे आसादुद्दीन ओवैसी मंत्य शुनाब विचार टाइम एटर दर्शक इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सन 57 की जंग आजादी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्ला ने पेश किया अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया उनको नहीं भूल सकते कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया उन्होंने ना लठ पिराए ना चड्डी पहनकर पिराए कुछ नहीं किया उन्होंने
देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुदेथी गांव में क्या जानते हैं भाजपा वाले शाह बेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है मुदेथी एक जगह है, शाह बेग मकरानी कौन थे? शाह बेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर तोप से उस टावर पर तोप से शाह बेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाह बेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री आप मन की बात पे नहीं कहेंगे कि शाह बेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाह बेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग, अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया, उन्होंने ना लठ पिराए ना चड्डी पहनकर पिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुदेथी गांव में क्या जानते हैं भाजपा वाले शाह बेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है मुदेथी एक जगह है, शाह बेग मकरानी कौन थे? शाह बेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह
उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर तोप से उस टावर पर तोप से शाह बेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाह बेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, आप मन की बात पे नहीं कहेंगे कि शाह बेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाह बेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते।